आज का टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल के डेफिनेशन या परिभाषा है द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, या एक नोड से दूसरे नोड के बीच के फासले या मध्यांतर को इंटरवल कहते हैं। इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, मेलोडिक इंटरवल और हार्मोनिक इंटरवल। मेलोडिक इंटरवल जो गाने की तरह गाया या बजाया जाता है उसे मेलोडिक इंटरवल कहते हैं, जैसे हार्मोनिक इंटरवल जो कॉर्ड की तरह गाया या बजाया जाता है उसे हार्मोनिक इंटरवल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल इंटरवल के नियम। किसी भी इंटरवल के ऊपर वाले नोट में एक शार्प लगाने से इंटरवल एक सेमीटोन बढ़ जाता है, और दो शार्प लगाने से इंटरवल दो सेमीटोन बढ़ जाता है। किसी भी इंटरवल के ऊपर वाले नोट में एक फ्लैट लगाने से इंटरवल एक सेमीटोन कम हो जाता है, और दो फ्लैट लगाने से इंटरवल दो सेमीटोन कम हो जाता है। किसी भी इंटरवल के नीचे वाले नोट में एक शार्प लगाने से इंटरवल एक सेमीटोन कम हो जाता है, और शार्प लगाने से किसी नोट में डबल शार्प लगाने से दो सेमीटोन आवाज़ कम हो जाता है। फोर्थ और फिफ्थ इंटरवल परफेक्ट इंटरवल होता है। यह इंटरवल मेजर या माइनर नहीं होता है। इस इंटरवल में एक सेमीटोन कम करने से डिमिनिस इंटरवल कहलाता है, तथा इसमें एक सेमीटोन बढ़ जाने से ऑगमेंटेड इंटरवल कहलाता है। इंटरवल की शाखाएं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेजर इंटरवल, 2 माइनर इंटरवल, 3 परफेक्ट इंटरवल, 4th डिमिनिस इंटरवल, 5 ऑगमेंटेड इंटरवल। ऑफ इंटरवल्स इन मेजर स्केल्स। अगर हम सी मेजर में इंटरवल को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो सी नोट टू डी नोट मेजर सेकेंड अप, सी नोट टू ई नोट मेजर थर्ड अप, सी नोट टू ए नोट मेजर सिक्स्थ अप, सी नोट टू बी नोट मेजर सेवेंथ अप होगा। अगर सी शार्प मेजर में हम देखेंगे एग्जाम्पल तो सी शार्प टू डी शार्प मेजर सेकेंड अप, सी शार्प टू ई शार्प मेजर थर्ड अप, सी शार्प टू ए शार्प मेजर सिक्स्थ अप, सी शार्प टू बी शार्प मेजर सेवेंथ अप होगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल को सी फ्लैट मेजर स्केल में देखेंगे तो सी फ्लैट टू डी फ्लैट मेजर सेकेंड अप, सी फ्लैट टू ई फ्लैट मेजर थर्ड अप, सी फ्लैट टू ए फ्लैट मेजर सिक्स्थ अप, सी फ्लैट टू बी फ्लैट मेजर सेवेंथ अप होगा। माइनर इंटरवल्स, अगर हम सी मेजर में माइनर इंटरवल को देखेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे तो सी नोट टू डी फ्लैट माइनर सेकेंड अप, सी नोट टू ई फ्लैट माइनर थर्ड अप, सी नोट टू ए फ्लैट माइनर सिक्स्थ अप, सी नोट टू बी फ्लैट माइनर सेवेंथ अप होगा। इसी तरह सी शार्प मेजर में देखेंगे तो सी शार्प टू डी नेचुरल माइनर सेकेंड अप, सी शार्प टू ई नेचुरल माइनर थर्ड अप, सी शार्प टू ए नेचुरल माइनर सिक्स्थ अप, सी शार्प टू बी नेचुरल माइनर सेवेंथ अप होगा। इसी एग्जाम्पल को सी फ्लैट मेजर स्केल में अगर देखेंगे तो सी फ्लैट टू डी डबल फ्लैट माइनर सेकेंड अप, सी फ्लैट टू ई डबल फ्लैट माइनर थर्ड अप, सी फ्लैट टू ए डबल फ्लैट माइनर सिक्स्थ अप,
सी फ्लैट टू बी डबल फ्लैट माइनर सेवेंथ ऑफ होगा। परफेक्ट इंटरवल्स, परफेक्ट यूनिसन, अगर हम सी मेजर स्केल में एग्जाम्पल देखेंगे तो सी टू सी, जैसे लोअर ऑक्टेव का फर्स्ट सी और फिर वही सेम लोअर ऑक्टेव का सी को हम प्ले करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसन। जैसे कि परफेक्ट फोर्थ ऑफ सी नोट टू एफ नोट, सी डी ई एंड एफ, उसके बोलते हैं परफेक्ट फोर्थ ऑफ। परफेक्ट फिफ्थ ऑफ सी टू जी, परफेक्ट ऑक्टिव ऑफ, नीचे वाला लोअर ऑक्टिव टू टॉप ऑक्टिव, जैसे कि डिमनिश इंटरवल्स, अगर सी मेजर स्केल में हम डिमनिश इंटरवल का एग्जाम्पल देखेंगे तो सी टू डी डबल फ्लैट डिमनिश सेकेंड अप, सी टू ई डबल फ्लैट डिमनिश थर्ड अप, सी टू एफ फ्लैट डिमनिश फोर्थ अप, सी टू जी फ्लैट डिमनिश फिफ्थ अप, सी टू ए डबल फ्लैट डिमनिश सिक्स्थ अप, सी टू बी डबल फ्लैट डिमनिश सेवेंथ अप, सी टू ऑक्टिव सी फ्लैट डिमनिश ऑक्टिव अप होगा। ऑगमेंटेड इंटरवल्स, ऑगमेंटेड इंटरवल्स को हम अभी सी मेजर स्केल में उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सी टू डी शार्प ऑगमेंटेड सेकेंड अप, सी टू ई शार्प ऑगमेंटेड थर्ड अप, सी टू एफ शार्प ऑगमेंटेड फोर्थ अप, सी टू जी शार्प ऑगमेंटेड फिफ्थ अप, सी टू ए शार्प ऑगमेंटेड सिक्स्थ अप, सी टू बी शार्प ऑगमेंटेड सेवेंथ अप, सी टू सी शार्प ऑगमेंटेड ऑक्टिव अप, सी टू सेम सी शार्प या सी टू सी शार्प ऑगमेंटेड यूनिसन होगा। वैसे ही हम सी फ्लैट मेजर में अगर एग्जांपल देखेंगे तो सी फ्लैट टू डी नेचुरल ऑगमेंटेड सेकंड अप, सी फ्लैट टू ई नेचुरल ऑगमेंटेड थर्ड अप, सी शार्प टू एफ डबल शार्प ऑगमेंटेड फोर्थ अप, सी शार्प टू जी डबल शार्प ऑगमेंटेड फिफ्थ अप, सी शार्प टू ए डबल शार्प ऑगमेंटेड सिक्स्थ अप, सी शार्प टू बी डबल शार्प ऑगमेंटेड सेवेंथ अप, सी शार्प टू सी डबल शार्प ऑगमेंटेड ऑक्टिव अप, सी शार्प टू सी नेचुरल ऑगमेंटेड यूनिसन होगा। जब हम ऑफ इंटरवल्स को काउंटिंग करते हैं या देखते हैं तो ऑफ इंटरवल में रूट नोट लेफ्ट साइड को माना जाता है और टारगेट नोट राइट साइड में रहता है, जैसे सी टू डी नोट, इसी में हो जाएगा सी हो जाएगा रूट नोट, मतलब सी मेजर में टारगेट नोट है डी, सी मेजर में डी नोट क्या बजता है या कहाँ है, सी टू डी, सी टू डी हो जाएगा मेजर सेकेंड अप। लेकिन अगर हम इसको डाउन इंटरवल में देखेंगे तो रूट नोट हो जाएगा राइट साइड में, रूट नोट हो जाएगा डी और टारगेट नोट हो जाएगा सी, मतलब डी मेजर में सी क्या बचता है, अभी हो जाएगा डी टू सी। तो ये बन जाएगा
माइनर सेवेंथ डाउन इंटरवल। अभी हम कुछ डाउन इंटरवल मेजर स्केल में देखेंगे। जी टू ए शार्प मेजर सेकेंड डाउन, ए टू सी शार्प मेजर थर्ड डाउन, जी टू सी सी नेचुरल परफेक्ट फोर्थ डाउन, एफ टू सी नेचुरल परफेक्ट फिफ्थ डाउन, ई टू सी शार्प मेजर सिक्स डाउन, डी टू सी शार्प मेजर सेवेंथ डाउन होगा। अभी कुछ माइनर इंटरवल्स देखते हैं। बी नेचुरल टू सी नेचुरल माइनर सेकेंड डाउन, ए नेचुरल टू सी नेचुरल माइनर थर्ड डाउन, जी नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश फोर्थ डाउन, एफ नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश फिफ्थ डाउन, ई नेचुरल टू सी नेचुरल माइनर सिक्स डाउन, डी नेचुरल टू सी नेचुरल माइनर सेवेंथ डाउन होगा। अभी हम कुछ डिमिनिश इंटरवल्स के एग्जांपल्स देखेंगे। बी नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश सेकेंड डाउन, ए नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश थर्ड डाउन, जी नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश फोर्थ डाउन, एफ नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश फिफ्थ डाउन, ई नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश सिक्स डाउन, डी नेचुरल टू सी फ्लैट डिमिनिश सेवेंथ डाउन होगा। अभी कुछ ऑगमेंटेड इंटरवल्स देखते हैं। बी नेचुरल टू सी डबल शार्प ऑगमेंटेड सेकेंड डाउन, ए नेचुरल टू सी डबल शार्प ऑगमेंटेड थर्ड डाउन, जी नेचुरल टू सी शार्प ऑगमेंटेड फोर्थ डाउन, एफ नेचुरल टू सी शार्प ऑगमेंटेड फिफ्थ डाउन, ई नेचुरल टू सी डबल शार्प ऑगमेंटेड सिक्स्थ डाउन, डी नेचुरल टू सी डबल शार्प ऑगमेंटेड सेवेंथ डाउन होगा। इन्वर्टेड इंटरवल्स, जब ऊपर वाले नोट को नीचे बजाया जाता है और नीचे वाले नोट को एक ऑक्टिव ऊपर बजाया जाता है तो उसे इन्वर्टेड इंटरवल कहते हैं। जैसे मेजर सेकेंड अप माइनर सेवेंथ डाउन, मेजर थर्ड अप माइनर सिक्स डाउन, परफेक्ट फोर्थ अप परफेक्ट फिफ्थ डाउन, ऑगमेंटेड फोर्थ अप डिमिनिश फिफ्थ डाउन, मेजर सिक्स्थ अप माइनर थर्ड डाउन, मेजर सेवेंथ अप माइनर सेकेंड डाउन, माइनर सेवेंथ अप मेजर सेकेंड डाउन, माइनर सिक्स्थ अप मेजर थर्ड डाउन, परफेक्ट फिफ्थ अप परफेक्ट फोर्थ डाउन, डिमिनिश फिफ्थ अप ऑगमेंटेड फोर्थ डाउन, माइनर थर्ड अप मेजर सिक्स डाउन, माइनर सेकेंड अप मेजर सेवेंथ डाउन होगा। कॉन्कॉर्डेंट इंटरवल्स, जब कोई स्वर या इंटरवल सुनने में पूर्ण प्रतीत हो और किसी अन्य स्वर की जरूरत न हो तो उसे कॉन्कॉर्डेंट इंटरवल्स कहते हैं। डिसकॉन्कॉर्डेंट इंटरवल्स, जब कोई स्वर या इंटरवल सुनने में अपूर्ण प्रतीत हो तो उसे डिसकॉन्कॉर्डेंट इंटरवल कहते हैं। ए टेबल ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इंटरवल्स, वन सेमीटोन इज इक्वल टू माइनर सेकेंड और ऑगमेंटेड यूनिसन इंटरवल, टू सेमीटोन इज इक्वल टू मेजर सेकेंड और डिमिनिश थर्ड इंटरवल, थ्री सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड सेकेंड और माइनर थर्ड इंटरवल, फोर सेमीटोन इज इक्वल टू मेजर थर्ड और डिमिनिश फोर्थ इंटरवल, फाइव सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड थर्ड और परफेक्ट फोर्थ इंटरवल, सिक्स सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड फोर्थ और डिमिनिश फिफ्थ इंटरवल, सेवन सेमीटोन इज इक्वल टू परफेक्ट फिफ्थ और डिमिनिश सिक्स्थ इंटरवल, एट सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड फिफ्थ और माइनर सिक्स्थ इंटरवल, नाइन सेमीटोन इज इक्वल टू
मेजर सिक्स्थ और डिमिनिश सेवेंथ इंटरवल। टेन सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड सिक्स्थ और माइनर सेवेंथ इंटरवल। इलेवन सेमीटोन इज इक्वल टू मेजर सेवेंथ और डिमिनिश ऑक्टिव इंटरवल। ट्वेल्व सेमीटोन इज इक्वल टू ऑगमेंटेड सेवेंथ और परफेक्ट ऑक्टिव इंटरवल कहलाता है।